नमस्कार, आज मैं मसाला लच्छा पराठा की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हमने गेहूं का आटा लिए हैं। आटा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पराठा बनाना हो उसी अनुसार आप आटा ले सकते हैं। तो सबसे पहले आटा को हम इस तरह से पहले कर देते हैं, और इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा पानी को डाल करके जिस तरह का चपाती का आटा हम लोग गूंथते हैं उस तरह का आटा का डो तैयार करना है। इस तरह से एकदम नरम और मुलायम आटा गूंथ करके तैयार कर लिए हैं। अब इसे लगभग 30 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देते हैं। लगभग 30 मिनट हो गया, आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसे थोड़ा सा मिला लेते हैं। सबसे पहले आटा से एक लोई को निकाल लेते हैं। और इसमें सूखा हुआ आटा को लगा करके इसका पहले हम गोल रोटी बना लेते हैं। गोल रोटी बनाने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से घी लगा देते हैं। के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा को डाल देते हैं। सूखा आटा डालने के बाद अब इसमें हम एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं, एक छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और एक छोटा चम्मच नमक लिए हैं। इन सभी चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसे हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डाल देते हैं। डाल करके अब इसे हम इस तरह से कर लेते हैं। फिर इसे हम इस तरह से करेंगे, फिर इसे हम इस तरह से लग करके इसे हम इस तरह से करेंगे। इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। से फोल्ड करने के बाद इसे हम हाथ से थोड़ा दबा देते हैं। दबा करके इसे हम इस तरह से गोल कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके इसे हम पहले बेल लेते, सूखा आटा लगा करके इसके ऊपर हम थोड़ा सा अजवाइन को डाल देते हैं और थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल करके इसे हम हाथ से इस तरह से चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद इसे हम हल्का हल्का हाथ से धीरे धीरे बेल लेते हैं। इसे हम गोल बेल लिए हैं। इधर गैस ऑन करके तावा को चढ़ा दिए हैं। ये लोहा का तावा है जिस पे हम लोग डेली रोटी बनाते हैं। पराठा को इसके ऊपर डाल देते हैं और गैस का फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसे हम ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट हो गया, अब इसे हम इस तरह से पलट देते हैं और इधर से भी इसे हम अच्छी तरह से सेक लेते हैं 1-2 मिनट ढक करके ही। नीचे की ओर से भी अच्छी तरह से सेक चुका है। अब इसे हम तावा को उतार करके इस तरह से इसे हम चारों तरफ से अच्छी तरह सेक लेते हैं। हम तो हाथ से सेक रहे हैं, आप चिमटा से सेकिए। देखिए लच्छेदार पराठा बनकर तैयार है। कितना अच्छा तरह से इसमें लच्छा बनकर के तैयार हुआ है। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।